सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीफोबिया के बारे में, या फिर फियर ऑफ कॉलिंग पीपल भी कहा जाता है उसे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना ऐसे कई सारे मैनेजर्स हैं जिनको फोन पे बात करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। जी हाँ, अपने ही क्लाइंट से अगर बात करना है ना तो सोचना शुरू हो जाते कि भाई क्या बात करूं, कैसे बात करूं, इतने महीनों से फोन नहीं किया, मैं अपना कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करूं, और ऐसे हजारों सवाल ना दिमाग में घूमना शुरू हो जाते हैं। और अल्टीमेटली एक सिंपली फोन पे बात करना भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाता है ना कि ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, नहीं करनी है बात। तो इसे कहते हैं टेलीफोबिया, और इसे कैसे ओवरकम किया जाए इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा भी कि क्या बात करूं, कैसे बात करूं, तो यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है आज। इंटरेस्टिंग राइट? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे ना हम ऐसी ही कई सारी क्रिएटिव और यूनिक टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जिससे आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स रिक्रूट करना सीख जाओ। जी हाँ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो हम बात कर रहे थे टेलीफोबिया के बारे में, या फिर ऐसा एक डर जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है अगर हम हमारे क्लाइंट के साथ फोन पे बात कर रहे होते हैं। फिर वो अपॉइंटमेंट जनरेट करने के लिए हो, चेक मांगने के लिए हो, टाइम मांगने के लिए, कुछ भी हो, कुछ भी हो। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोग जो है ना आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई लोगों को आज भी थोड़ा सा टेलीफोबिया तो है। आज भी जब वो टेलीफोन उठाता है ना तो सबसे पहले 2 मिनट सोचते हैं, यार क्या बात करूं मैं उससे, मैंने इस क्लाइंट से महीनों से बात नहीं की, आज अचानक से मैं उसको फोन करूंगा कैसा लगेगा उसे, क्या उसकी अपॉइंटमेंट मांगना अभी ठीक रहेगा, क्या उससे चेक मांगना ठीक रहेगा, और ऐसे अनगिनत सवाल दिमाग में घूमना शुरू हो जाते हैं, और इसे कहते हैं टेलीफोबिया। आज इस वीडियो में हम इसे कैसे दूर किया जाए इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो टेलीफोबिया एक्चुअली कैसे शुरू होता है पता है? ये 1-2 दिन की बीमारी नहीं होती है, 1-2 दिन में अचानक लगने वाली बीमारी नहीं होती है। टेलीफोबिया एक्चुअली बचपन से हमारे दिमाग में प्रोग्राम किया जाता है। जी हाँ, बचपन से जो हमें सिखाया जाता है ना कि किसी से कुछ मांगना मत, मांगना बुरी बात है ना, ये बचपन से सिखाया जाता है ना, तो यही जो प्रोग्रामिंग किया जाता है ना हमारे दिमाग में, इसका असर होता है जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम किसी को फोन करते हैं ना तो उससे अपॉइंटमेंट मांगने में डर लगता है, उससे चेक मांगने में डर लगता है, उससे बिजनेस मांगने में डर लगता है, यहां तक के 5 मिनट फोन पे बिताने का भी डर लगता है। हम हमेशा ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने उससे 5 मिनट बात कर लिया, उससे 10 मिनट बात कर लिया, क्या मैं उसका समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं जो उसके साथ बात कर रहा हूं उसमें एक्चुअली उसको वैल्यू नजर आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे सेल्फ डाउट शुरू हो जाते हैं जब भी हम किसी के साथ फोन पे बात करते हैं, राइट? तो ये टेलीफोबिया जो है ना बहुत सालों की प्रोग्रामिंग का असर है। और उसके बाद दूसरा भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें डर लगता है, और वो है सेल्फिशनेस। जी हाँ, कई बार हमें खुद को लगता है कि क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूं इससे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे जब पहली बार इस क्लाइंट के पास से बिजनेस मिला उसको तो महीनों बीत गए, उसके बाद आज मैं फोन कर रहा हूं तो उसको कैसा लगेगा ना, या अगर मैं उसे इनवाइट कर रहा हूं करियर अपॉर्चुनिटी सेमिनार के लिए, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार, COP या BOP जो भी आपके ऑफिस में उसको बुला जाता है, उसके लिए अगर इनवाइट कर रहा हूं उसको, तो क्या उसको थोड़ा सा डाउट फील होगा कि भाई ये अपने फायदे की कहीं ना कहीं बात कर रहा है, इसका टारगेट है इसलिए ये मुझे बुला रहा है, ऐसा तो उसे फीलिंग नहीं आएगा ना। तो ये सेल्फिशनेस का भी एक थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है हमें हमेशा, कि मैं अगर उसे बात कर रहा हूं या अगर मैं उसे कॉल करता हूं तो सामने वाले को ये तो फील नहीं होगा ना कि मैं अपने फायदे के लिए उसके साथ बात कर रहा हूं। फील होगा भाई, एब्सोल्युटली फील होगा। अगर आप सच में अपने फायदे के लिए उसको कॉल कर रहे हो ना तो उसको जरूर फील होगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये इंटेंशन से कॉल कर रहे हो कि मुझे जेन्युइनली तुम्हें हेल्प करना है, मैं चाहता हूं कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, अगर इस इंटेंशन से बात करोगे ना तो उसको फील नहीं होगा। सो ये जो डर है
है ना, इसको कैसे निकाला जाए इसका एक बहुत अच्छा टेक्निक मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी हम किसी को भी कॉल करते हैं ना, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि हम हमेशा अपने काम के लिए उनको फोन करते हैं, राइट। हमें बिजनेस चाहिए होता है इसलिए फोन करते हैं, हमें उनको अपनी टीम में रिक्रूट करना होता है इसलिए उनको फोन करते हैं, है ना। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप कर्टसी कॉलिंग शुरू कर दो, कर्टसी कॉलिंग एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है अपने इस डर को निकालने का। उसमें क्या होता है पता है, कर्टसी कॉलिंग में आपको ऐसे ही क्लाइंट को कभी कभी फोन करना चाहिए जिस कॉल के दौरान आप उसके साथ कोई भी बिजनेस की बात नहीं करने वाले हो। लेकिन इस टाइप के कर्टसी कॉल्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए किए जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपका एक जो क्लाइंट है उसका आज बर्थडे है, तो आपको जरूर फोन उठा के उसको एटलीस्ट बर्थडे विश करना चाहिए। इसे कहते हैं कर्टसी कॉलिंग, इससे रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है। अगर मान लीजिए आपको पता है कि आज उसका एनिवर्सरी है, तो उसको एनिवर्सरी विश करना चाहिए। या अगर मान लीजिए आपको किसी चीज में एडवाइस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्लाइंट है उसका फर्नीचर का दुकान है, राइट। और अगर मान लीजिए आपको आपके घर में कोई फर्नीचर लगवाना है या कोई फर्नीचर बनवाना है आपके घर के लिए, तो आप उसको कॉल कर सकते हो ना, व्हाई नॉट। उससे एडवाइस तो ले सकते हो कि भाई ये नो मेरा रूम है, उसमें मुझे इस टाइप का फर्नीचर बनवाना है, आपको क्या लगता है कैसे बनवाना चाहिए। या फिर उसके इंटरेस्ट की, उसके फील्ड की कोई भी ऐसी सलाह के लिए भी आप उसको फोन कर सकते हो कि यार मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो इस इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर किसी से एडवाइस लेते भी हो ना, तो भी उस बंदे को काफी अच्छा लगता है, इससे भी रिलेशनशिप बिल्डिंग काफी अच्छी तरह से होता है। या फिर आप हो सकता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन गिविंग कॉल भी कर सकते हो। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपके शहर में कहीं पे योगा क्लासेस चल रहे हैं, या फिर कहीं पे फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स जो होते हैं ना वो चल रहा है, तो आप अपने क्लाइंट को फोन लगाते हो कि सर आपको पता है कि यहाँ पर एक फ्री चेकअप कैंप हो रहा है, आई एम श्योर आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट आपने कब आपका हेल्थ चेकअप कराया था, राइट। शायद उसको एक दो साल से ज्यादा हो गया है ना, इधर आपको जाके हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, इट्स फ्री। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी आप उनको फोन कर सकते हो, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये सारी चीजें करना जरूरी है, इससे है ना आपका जो फोबिया है ना, टेलीफोबिया, वो चला जाएगा। आपको डर नहीं लगेगा कभी भी क्लाइंट के साथ बात करने के लिए। अगर आपको जब बिजनेस के लिए बात करनी है या फिर अपॉइंटमेंट लेने के लिए बात करनी है, तब आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उनको फ्रीक्वेंटली फोन करते आ रहे हो, है ना, आप कुछ ना कुछ अलग इंटरेक्शन कर रहे हो उनके साथ अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। तो अगर आप उनको फोन लगाओगे ना, तो आपका फोन कट नहीं कर देंगे, वो बात सुनेंगे आपकी, वो उठाएंगे फोन, वो एटलीस्ट आपसे 3-4 मिनट बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ बिजनेस के लिए फोन नहीं करते हो, आप सेल्फिश नहीं हो। तो इस तरह से जब आप कर्टसी कॉल करोगे ना, तो आपको जरा भी डर नहीं लगेगा लोगों को कॉल करने के लिए, राइट। तो हमेशा मांगने वाले कॉल करने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसे ही अगर आप फोन करोगे, ऐसे ही फोन पे मिलोगे ना उनको, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा ना वो अलग लेवल का होगा। वो कहते हैं ना इंश्योरेंस में कि मांगने वाले को मिलता नहीं है, मिलने वाले को जरूर मिलता है। इसलिए लोगों से फोन पे भी ऐसे ही मिला करो, आई एम श्योर आपको बिजनेस भी ऐसे ही मिल जाएगा। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए शेयर करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको फोन पे बात करने में बहुत ज्यादा डर लगता है, जिनको बहुत ज्यादा टेलीफोबिया है। तो अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दोगे ना, तो उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स के बारे में जानना है, जिससे आप आपके लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 2 मई से लेके 5 मई तक चलने वाला है, हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटा यानी 8 से लेके 10। जानबूझ के ऐसा टाइम रखा है कि जब आप घर पे आराम से ऑफिस खत्म करके पहुंच गए हो, रिलैक्स्ड हो। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के भेज देना है, मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9714991661। बाय द वे इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस ट्रेनिंग सेशन को रजिस्टर करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो प्लीज अपने आप को जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। आई एम श्योर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर रजिस्टर करेंगे। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।